हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो एमएस वर्ड की है। देखिए, अगर स्कूल में अच्छे से एजुकेशन दी जाए तो बच्चों को इंस्टीट्यूशन की जरूरत नहीं लगेगी कंप्यूटर के लिए। और कंप्यूटर का तो ऐसे ही बहुत महत्व घटा हुआ था, अभी तो कोरोना आने के बाद महत्व थोड़ा बढ़ा है, लोगों को ये समझ में आया है कि कंप्यूटर भी पढ़ाया जाना चाहिए विद्यालयों में, स्कूलों में। मैं तो लखनऊ तक के स्कूलों में पढ़ा चुका हूँ और दुर्दशा मैंने देखी है कि कंप्यूटर की क्या दुर्दशा होती है वहां पे। ठीक है, तो अभी तो देवरिया हूँ, तो आज का ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जब मैं आज ऑनलाइन क्लास ले रहा था तो बच्चों को टेक्स्ट रैपिंग नहीं समझ में आ रही थी कि ये टेक्स्ट रैपिंग एमएस वर्ड में क्या होती है। ठीक है, तो एमएस वर्ड में टेक्स्ट रैपिंग की बात करेंगे। ठीक है, और यकीन मानिए कि आपको किसी भी इंस्टीट्यूशन में एजुकेशन लेने की इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर अच्छे से समझ लेंगे तो। अब देखिए, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, इसके चारों तरफ अगर कोई इमेज आपको इंसर्ट करना हो, मतलब कि टेक्स्ट लिखा हो और इमेज एक साइड हो जाए और बाकी चारों तरफ उसके टेक्स्ट आ जाए, कुछ इस तरह का करना हो, या फिर आपको टेक्स्ट को इमेज के ऊपर लेके आना हो, ठीक है, या इमेज को टेक्स्ट के ऊपर लेके आना हो, कुछ ऐसा करना हो कि टेक्स्ट भी दिखे इमेज भी दिखे, इस तरह की चीजें अगर आप करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट रैपिंग का यूज कर सकते हैं। ये आएगा कब, हाईलाइट कब होगा, जब आप कोई पिक्चर इंसर्ट कराएंगे तो ही ये हाईलाइट होगा। पिक्चर या शेप वगैरह इंसर्ट कराएंगे तो ये हाईलाइट हो जाता है। ठीक है, शेप में ऐड टेक्स्ट का एक ऑप्शन आ जाता है, वहां टेक्स्ट रैपिंग आपको नहीं देगा। तो अभी हम बात कर लेते हैं, यहां से इंसर्ट पे चलते हैं और यहां से कोई पिक्चर लेने की कोशिश करते हैं, तो देखते हैं कोई सिस्टम में पिक्चर मौजूद होगा तो उसे हम ले लेंगे। ठीक है, तो ये इंसर्ट पिक्चर वाली मेन्यू ओपन हो चुकी है। अब यहां पर देखते हैं कोई पिक्चर है भी या नहीं। तो यहां पर ये सब पिक्चर तो दिख रही है, लेकिन यहां पे आते हैं, ये से पिक्चर में कोई एक इमेज लेते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, ये एक बुक का हमारे पास आ गया है, ये एक बुक का ही है। अब यहां से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे ही इस पिक्चर को मैंने ओपन किया तो एक अलग से मेन्यू खुल गया, फॉर्मेट मेन्यू दिख रहा है। ठीक है, अब जो टेक्स्ट हमने लिखा था वो गायब हो गया है, ठीक है, ऊपर चला गया है। कहने का मतलब यह है ये दूसरे पेज पे आ गया है। ठीक है, तो आप इसको छोटा कर सकते हैं, तो कैसे छोटा करेंगे, क्रॉप कर सकते हैं या इसको यहां से इस तरह से करके इसको रिसाइज कर लीजिए, छोटा कर लीजिए। ये छोटा हो गया, यहां से भी छोटा कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ये छोटा हो गया ना। अब टेक्स्ट आपको दिखाई पड़ेगा, अब सेम पेज पर हम आ गए, छोटा हो गया। तो अब हम ये चाहते हैं कि इसको उठा करके यहां पे लाके रख दें, ये मैंने रख दिया, आसानी से हो गया ना। अब देखिए, ये सब कमाल जो है ये किसका है, अच्छा मैं चाहता हूं ना कि ये जो पिक्चर है इस टेक्स्ट के ऊपर आ जाए, लेकिन जब भी मैं इस टेक्स्ट के ऊपर रखने की कोशिश करता हूं तो वो टेक्स्ट नीचे चला जाता है या तो पिक्चर ऊपर हो जाती है, इस तरह की कुछ दिक्कत आती है। अच्छा, ये भी है कि पिक्चर का शेप चेंज करना चाहते हैं, गोल में करना चाहते हैं तो ये गोल में कर लीजिए, ठीक है, इस तरह का शेप देना चाहते हैं इस तरह का शेप दे दीजिए, ऐसा शेप देना चाहते हैं तो इस तरह से दे दीजिए। ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि बात आपको समझ में आ रही होगी। इसके अलावा अगर इस पिक्चर का बॉर्डर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहां से जाइए और बॉर्डर का कलर आप चेंज कर लेंगे, लाइक यहां पर रेड कर दिया मैंने, जो भी कलर देना चाहे यहां से दे सकते हैं, देखिए रेड कर दिया मैंने कुछ इस तरह से। अब इसको सिलेक्शन में रखना है आपको। पिक्चर का शेप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे, यहां पे जाइए और इसको किस शेप में बनाना चाहते हैं, जो भी शेप आप यहां से चूज करेंगे उसी शेप का ये पिक्चर हो जाएगा। ठीक है, लाइक कैलेंडर लाइक शेप अगर आप बनाना चाहते हैं तो ये देखिए लाइक कैलेंडर लाइक हो गया, लग रहा है कैलेंडर जैसा होता है उस लाइक का ये शेप हो गया है। ठीक है, इसी तरह से किसी और शेप में इसे डालना चाहे आप तो किसी और शेप में भी डाल सकते हैं। ठीक है, लाइक यहां पे देख लीजिए, ये एक शेप हमारे पास पड़ी हुई है, ये देखिए ये, तो इसमें अगर लेके आना चाहे तो ये देखिए उसी शेप में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां पर इफेक्ट दिया हुआ है, अलग अलग टाइप के आपको इफेक्ट मिल जाते हैं, तो यहां पर कुछ इस तरह का इफेक्ट आएगा, ये देखिए इसको सेलेक्ट करिए इस तरह का इफेक्ट आएगा, यहां से इफेक्ट भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा इफेक्ट डालने की बात, लेकिन अभी हम बात कर रहे थे टेक्स्ट रैपिंग की। तो रैपिंग के लिए हम जैसे ही पिक्चर को सेलेक्ट करते हैं तो टेक्स्ट रैपिंग वाली विंडो हमें दिखने लगेगी, कहां दिखेगी, ये देखिए ये पोजीशन जो दिख रहा है ना इसी में आपको टेक्स्ट रैपिंग दिखाई पड़ेगी, ये टेक्स्ट रैपिंग ही है। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए यहां पर टेक्स्ट रैपिंग दिख रहा है आपको, ये है। ठीक है,
ये टेक्स्ट रैपिंग वाला विंडो तब आपको दिखेगा, ये टेक्स्ट रैपिंग वाला मेन्यू तब दिखेगा आपको जबकि आप पिक्चर को सेलेक्ट कर रखेंगे, ठीक है। तो ये आपको दिखेगा। अच्छा, पिक्चर की पोजीशन की सेटिंग आप करना चाहते हैं, पिक्चर टेक्स्ट के किधर आए, तो ये यहां से कर सकते हैं। पोजीशन वाला बॉक्स ओपन हो जाता है, यहां से आपको ये करने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए मैंने लेफ्ट में सेट कर दिया इसको, आप चाहे तो एकदम राइट में नीचे सेट कर सकते हैं। तो ये देखिए ये नीचे चला गया है, ठीक है। इसके अलावा आप अगर इसको इस तरह के शेप में डालना चाहते हैं तो ये इस तरह से आ जाएगा, क्लियर है। अब देखिए टेक्स्ट रैपिंग का क्या प्रयोग है, टेक्स्ट रैपिंग ऐसे भी आ जाएगा, पिक्चर के ऊपर जाकर के राइट क्लिक कीजिएगा तो यहाँ आपको नीचे दिखाई पड़ेगा टेक्स्ट रैपिंग, और वो सारे ऑप्शन जो आपको यहां पर दिखाई पड़ेंगे वो यहां पर भी आपको दिखेंगे, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, हम ये चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट है ये इस इमेज के ऊपर हमें दिखाई पड़े, तो क्या करेंगे, तो यहां पर बहुत सारे ऑप्शन आपको डिस्प्ले हो रहे हैं, देखिए ध्यान से ये सारे ऑप्शन आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। आप यहां पर एक ऑप्शन चूज कर लीजिए, लाइक यहां पर पहले टेक्स्ट रैपिंग पे जाइए और फिर इस ऑप्शन को चूज कर लीजिए। आप यहां पे दिया हुआ है बिहाइंड टेक्स्ट, तो आप इसको चूज कर लीजिए और इसके ऊपर ले जाकर रख दीजिए। तो देखिए इमेज के ऊपर सारे टेक्स्ट दिखाई पड़ रहे हैं, इमेज जो है पीछे चला गया है और टेक्स्ट ठीक उसके ऊपर आ गया है, ठीक है। ये तो पहली कंडीशन हो गई। अब फिर यहां पोजीशन पे क्लिक कर लेते हैं, यहां से टेक्स्ट रैपिंग पे, तो ये क्लिक किया हमने। अगर आप इसको स्क्वायर पोजीशन में देखना चाहते हैं तो ये स्क्वायर पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। अलग अलग तरह का है इसमें, ठीक है। टाइटली अगर इसको करेंगे तो टाइटली इसको बाउंड कर लेगा, मतलब इसके आसपास टेक्स्ट रहेगा, ठीक है। फिर यहां पर आते हैं टेक्स्ट रैपिंग पे वापस, इन लाइन विथ टेक्स्ट दिया हुआ है, तो इस पे अगर क्लिक करते हैं तो लाइनिंग जहां से शुरू होगी वहां नीचे वाला हिस्सा इमेज का आ जाएगा। देखिए ये पहली लाइन शुरू हुई है और एकदम इसी के ठीक नीचे ये आया हुआ है, देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब फिर आते हैं इसके बाद यहां पर क्या करते हैं, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देते हैं। तो जैसे ही इन फ्रंट करेंगे तो ये जो लिखा हुआ है इसके पीछे का हिस्सा गायब हो जाएगा, मतलब लिखावट आपको दिखाई नहीं पड़ेगी लेकिन आपको सिर्फ इमेज दिखाई पड़ेगी। उम्मीद कर रहा हूं कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए फिर यहां पर आता हूं, अब एक और दिया हुआ है टॉप एंड बॉटम, ठीक है। तो यहां पर जैसे ही टॉप एंड बॉटम पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए टॉप एंड बॉटम पे क्लिक करने से क्या होगा, ये टॉप पे चला जाएगा और सारा टेक्स्ट नीचे चला जाएगा, माने बॉटम में चला जाएगा, बात समझ में आ रही है। अब फिर देखिए यहां पे एक दिया हुआ है थ्रू, तो थ्रू करेंगे तो इसके चारों तरफ टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। लाइक ऐसे ही यहां पर उठा करके इसको इस साइड में कर दीजिए, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा, देख सकते हैं इसके चारों तरफ टेक्स्ट आ गया है। और फिर इसको सेलेक्ट करते हैं, फिर यहां पे आते हैं वापिस से टेक्स्ट रैपिंग पे, ओके। अब यहां पे दिया हुआ है एडिट रैप पॉइंट्स, ठीक है। तो यहां पे रैप पॉइंट एडिट हो जाएंगे, इसको आप रैप करवा सकते हैं, मतलब कि इसकी शेप जो है अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लीजिए कैसा होना चाहिए। तो देखिए यहां पर जाइए, माउस का लेफ्ट बटन दबा लीजिए, पकड़ के खींचिए, देखिए ये देखिए ये कुछ इस तरह का हो गया, ठीक है, देख सकते हैं। रैप पॉइंट को आप एडिट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ये देखिए, ठीक है। मतलब कि इसी के अकॉर्डिंग टेक्स्ट भी अगल बगल एडजस्ट होता चला जाएगा। आप देखिए यहां पर अगर मैं इसको पकड़ता हूं यहां से और थोड़ा इसको अंदर की तरफ ले जाता हूं तो टेक्स्ट भी जो है थोड़ा सा अंदर आ रहा है, देख सकते हैं आप, ठीक है। इसी तरह से यहां पर देखिए इसको अगर मैं यहां से इसको पकड़ता हूं और इसको अंदर लेके जाता हूं तो टेक्स्ट भी इसके अंदर आता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको। तो ये हो गया एडिट, ठीक है, रैप पॉइंट। अब इसके बाद है मोर लेआउट ऑप्शंस, तो अगर इस पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी, यहां से पूरी सेटिंग आप कर सकते हैं, कैसा आपको क्या चाहिए, अलाइनमेंट किधर चाहिए, बुक लेआउट क्या चाहिए, एब्सोल्यूट चाहिए, कैसा चाहिए पोजीशन, वो सारी सेटिंग यहां पर आप कर पाएंगे, ठीक है। ओवरलैप करवाना है कि नहीं करवाना है, ये सारी सेटिंग आपको यहीं से करने को मिल जाएगी। तो ये पूरा रैप टेक्स्ट था जिसका क्वेश्चन जो है मुझसे पूछा गया था कि सर ये रैप टेक्स्ट होता क्या है एमएस वर्ड में, तो मैंने आपसे बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि रैप टेक्स्ट होता क्या है। तो ये पूरा रैप टेक्स्ट का विवरण मैंने आपके सामने रख दिया है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।